सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और 2023 का तीसरा मंथ मतलब मार्च जो है जिसका स्टार्ट हो चुका है और आज 1 मार्च है, राइट। तो हमारा जो फरवरी का मंथ है उसके पहले जो जनवरी का मंथ था, तो उसमें क्या क्या चीजें हुई हैं आप देखेंगे हमारे ओ मीडिया के जो वीडियोस आए हैं, और उसमें जो आप जाएंगे onpassive.com में तो ओ मीडिया में काफी सारी चीजें मौजूद हैं। तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि भैया हमारे पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ सालों में कुछ नहीं हुआ है, बहुत 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 कुछ हुआ है और हमने जो सोचा नहीं था उससे ज्यादा ही हुआ है। तो अब इस मार्च की अगर हम बात करते हैं तो देखिए वीडियो में भाई आखिरी तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपको जरूरी है कि भाई जानकारियां होना ताकि आप अपडेट रहे। देखिए मार्च का जो मंथ हमारा ये रहेगा, आज 1 मार्च है, तो इसमें सबसे पहले जो होने वाला है वही है कि हमारा जो भी वेबिनार होगा इस वीक में जो होने वाला है बहुत ही जबरदस्त होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद में जो है हमारा OES, जी हाँ, ऑन पैसिव इकोसिस्टम जो है उसमें हमारा इंटीग्रेट होगा हमारा ओ कनेक्ट। मतलब ये एक बहुत बड़ा एक जो बोल सकते हैं कि एक टाइम आने वाला है जिसके अंदर ओ कनेक्ट के अंदर जो है हम लोग जो जा रहे हैं, मतलब OES में जो है ओ कनेक्ट जा रहा है, तो इसमें बहुत जबरदस्त जो है अपडेट्स होंगी। और इसमें जाने के लिए जो है अभी कितने दिन लगेंगे ये अभी फाइनल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक ये हमारा वेबिनार नहीं होगा उसके बाद में ही जो है OES में जाने की प्रक्रिया शुरू होगी ओ कनेक्ट की। तो इसमें जैसे ही वो कनेक्ट आता है तो अभी इस मार्च के मंथ में ये सारा होने का है, बिल्कुल 100% ये तो तय है कि इस मंथ में ही बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन वो क्या होंगी और क्या अपडेट होंगी हमको आने वाले वेबिनार्स में ही ये सब पता चलने वाला है। तो जैसे ही हमारा मार्च का मंथ ये शुरुआत हुआ है तो इसमें अपडेट्स काफी सारी हमारे सामने निकल के आएंगी। OES में हम जाएंगे उसके बाद में, अब जो है जब OES में वो कनेक्ट जाएगा उसके बाद में क्या सब्सक्रिप्शन आएंगे, क्या इसमें लिंक आएंगी, तो ये हमारे लिए एक सवाल बनता है। तो यस डेफिनेट ये जब हम OES में आएंगे, जो ओ कनेक्ट हमारा OES में आएगा, तो इसमें डेफिनेटली ये बात तो श्योर है कि हमारा माय लिंक और जो हमारी लिंक वगैरह जो भी एफिलिएट लिंक है या जो बोल सकते हैं हमारा सब्सक्रिप्शन वगैरह भी पूरी तरह से आने की यहां पे फुल्ली चांसेस हैं। उसकी वजह यह है देखिए, क्योंकि जब तक अभी हमारा ओ कनेक्ट पूरी तरह से रेडी नहीं होता है तो उसके बाद में ही सारी चीजें आएंगी। मतलब ओ कनेक्ट का रेडी होना बहुत जरूरी है, लगभग हमारा ये हो चुका है रेडी और कुछ चीजें और उसके अंदर जाती रहेंगे होती रहेंगे तो फ्यूचर में चलता रहेगा। तो मार्च मंथ में जो है अभी मंथ एंडिंग में बहुत टाइम है, अभी पूरा मंथ हमारे पास पड़ा है, लेकिन हमारे पास अभी काफी सारी चीजें जो इसमें ऐड होंगी। मतलब ऐसा नहीं है, आपको बता दें जो अभी तक जो पिछले मंथ सो गए थे या जिनको अपडेट नहीं थे, जो प्रॉपर अपडेट नहीं थे पिछले 2-3 महीनों में, उनको ये चीज मैं बता दूं कि देखिए अभी इस मंथ में जो है मार्च के मंथ में भी अगर आप जो अपडेट रहना चाहते हो तो पिछली जो अपडेट है हमारी फरवरी की और उनको भी जरूर देख लीजिए, ताकि कोई ये ना बोले कि कुछ तो हुआ नहीं है, राइट। तो ये एक थोड़ा अपना माइंड से निकाल दीजिए कि कुछ भी नहीं हुआ है, पिछले 2 साल में भी बहुत कुछ हुआ है, 3-4 सालों में भी कुछ हुआ है, और मार्च के मंथ में अभी ये जो हमारा मार्च का मंथ है उसमें और भी कुछ चीजें होंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओ कनेक्ट OES में जाएगा, उसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीजें निकल के सामने आएंगी। और ओ कनेक्ट तो फोकस्ड है हमारा प्रोडक्ट, लेकिन इसमें ओ ट्रैकर भी जो हमको है देखने को मिलेगा, और उसके अलावा कई प्रोडक्ट और हैं जैसे OPR है वगैरह, इसका जिक्र आज की 2-3 महीने पहले किया गया था कि OPR भी हमारा बहुत जल्दी आएगा। उसके अलावा जो हमारा ओ बुकिंग आप देख रहे हैं, ओ ब्लेस देख रहे हैं, और भी कई है जो ओ डोमेन है, तो वो उसमें अभी ये जो है किस मंथ में आएंगे फाइनल नहीं है, लेकिन मार्च मंथ में जो है काफी सारी चीजें होने वाली हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम क्यों कह सकते हैं, देखिए जिस हिसाब से प्रोसेस चल रही है ऑन पैसिव की बैक एंड पे, जिस तरह से तैयारी चल रही है वो दिखती नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वर्क करती है। इस चीज को हमको समझना बहुत जरूरी है। ओ वॉलेट को लेकर के भी थोड़े से क्वेश्चन है कि भैया ओ वॉलेट का क्या होगा, तो जब इतने सारे प्रोडक्ट हो रहे हैं तो भाई डेफिनेटली ओ कनेक्ट जो हमारा ओ वॉलेट है वो भी कहीं ना कहीं जो इसके अंदर हो रहा होगा। अब ये मार्च में आता है, अप्रैल में आता है, मई में आता है, वो डिपेंड करता है कि इसमें कैसे प्रोडक्ट 1 by 1 आते हैं, राइट। तो ये बात तो तय हो गई है कि इस मार्च के मंथ में हमारे को बहुत ज्यादा और बहुत जबरदस्त गुड न्यूज मिलने वाली है, और हर मंथ की तरह जो हमारा ये मंथ भी जबरदस्त रहेगा। और हमें पूरा उम्मीद है, मतलब पूरा 100% ये हमें चांसेस है कि जो हमारे पिछले 2-3 मंथ गए हैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर हमारा मार्च का मंथ होगा, और डेफिनेटली अप्रैल का फर्स्ट जो है वीक आते आते, जो सेकंड वीक आते आते हमें और भी बहुत कुछ अपडेट्स होंगी। तो ये अब कुछ महीनों की बात नहीं है बल्कि कुछ दिनों की बात है कि हमारी काफी सारी चीजें जो है जब ओ कनेक्ट के थ्रू होंगी, जब यहां पर बहुत सारी चीजें आएंगी, तो
हमें बहुत सारा अपडेट भी मिलेगा और पब्लिक में किस तरह से ओ कनेक्ट आता है अभी ये सबसे बड़ी चीज़ होने वाली है। तो ये किस मंथ में होगा वो देखेंगे हम, और साथ ही साथ जो है पब्लिक में जब अगर कोई चीज़ आ रही है तो इसका मतलब है भाई हमारा प्रोडक्ट पूरी तरह से रेडी हो गया है, वो कहीं ना कहीं तैयार है पूरी तरह से पब्लिक के लिए। अगर कोई प्रोडक्ट पब्लिक के लिए पूरी तरह से तैयार है तो भाई हम भी उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। तो बस ये जो अपडेट्स हैं बैक ऑफिस में आप लगातार देखते रहिए, ये बात तो तय है कि भाई हमारा ये मार्च का मंथ बहुत ज़बरदस्त जाने वाला है।